शहर के विस्टान रोड पर संचालित हो रही सोनम जिनिंग प्रेसिंग हाउस पर बीती रात नकाबपोश बदमाशों ने लाखों रुपए लूट की वारदात को अंजाम दिया। लुटेरों के हौसले इतने बुलंद थे कि जिनिंग में प्रोसेसिंग के दौरान वारदात को अंजाम दिया। लुटेरों ने यहां काम कर रहे मजदूरों पर पत्थर भी बरसाए। जिनिंग संचालक के मुताबिक चोर चड्डी बनियान में थे। यह वारदात सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हुई है। जिनिंग संचालक सचिन महाजन के मुताबिक रात करीब 1:50 पर लुटेरे मुख्य द्वार से घुसे। लुटेरों की संख्या 12 से अधिक थी। ऑफिस के कैश काउंटर की खिड़की से लुटेरे घुसे। कुछ लोग बाहर खड़े थे। लुटेरों ने ऑफिस में रखी अलमारी में तोड़फोड़ कर 9 लाख रुपए नगद चुरा कर फरार हो गए। महाजन के मुताबिक कपास की नगद खरीदी के लिए रुपए जिनिंग में रखे थे। लुटेरों पर काम कर रहे मजदूरों की नजर भी पड़ी। उनके विरोध करने पर लुटेरे पत्थर बरसाते हुए भाग निकले। लुटेरे 3 दिन पहले हवा आंधी में गिरी बाउंड्री वॉल की दीवार के रास्ते भागे। इससे पहले भी कपास चोरी की वारदातें हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। तो अब क्या लूट की? सर रात को 1:45 के आसपास 8 से 10 आदमी, 2 दिन पहले बारिश हवा आंधी में दीवार गिर गई थी बाउंड्री वॉल पेड़ गिरने से, तो उस रास्ते या दीवार कूद कर अंदर आए। फैक्ट्री चालू थी और आदमियों को लगा कि अंदर कोई आए हैं, तो 8-10 आदमी से 2 आदमी उन्होंने ऑफिस के अंदर घुस गए ग्रिल तोड़कर और अलमारी को तोड़ दिया। अलमारी के अंदर रखा हुआ कैश ले गए। अलमारी के अंदर कैश था उसके अंदर लेके गए लगभग 8 से 9 लाख रुपए का अमाउंट है। और पत्थरबाजी हुई, उन्होंने 4 आदमी ने इधर यहाँ जो स्टाफ था उनको रोके रखा, ये समझे कि कपास चोर करना है, क्योंकि अधिकतर कपास चोरी होती रहती है इस टाइप की, पर पहली बार इस टाइप की लूट की वारदात हुई कि नगद अलमारी तोड़ के ले गए। कितनी मात्रा में थे चोर? लगभग 8 से 9 आदमी थे और ये सब मुंह पर हल्का सा कपड़ा बांधे हुए थे और सिर्फ अंडरगार्मेंट्स एक अंडरवेयर पहन के आए थे बस। वीडियो फुटेज में कुछ आ रहे हैं, उनके वीडियो फुटेज दिख रहे हैं। आपके सीसीटीवी कैमरे में? कैमरे सारे लगे हुए ऑफिस में कंपाउंड में सब जगह लगे, सीसीटीवी पूरे पूरे कंपाउंड में लगे हुए। कुछ पत्थरबाजी में किसी को चोट भी लगी? नहीं, चोट किसी को नहीं आई। पत्थर दूर दूर से चल रहे थे, उन्होंने यहाँ के स्टाफ को उधर आने नहीं दिया क्योंकि पत्थर बहुत 4 आदमी जो थे 5-6 आदमी वो बहुत स्पीड में पत्थर फेंके जा रहे थे और इधर से हमारे आदमी ने पत्थर मारे उनको भगाने के लिए। जनरली ये समझे कि यार कपास चोरी करने आए हैं तो उनको भगा देते हैं, हमेशा आते रहते हैं कपास चोरी की सबसे, जैसे खेतों में से कपास चोरी होता है तो ऐसे फैक्ट्री में से कपास चोरी करने आते रहते हैं। क्या नाम है? सचिन महाजन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।